जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता था। भजनलाल कैबिनेट में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 12 कैबिनेट, 5 राज्यमंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। आज उन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि ये अहम है। अब मंत्री तो इतने दिनों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन किन मंत्री को कौन सा विभाग मिल रहा है ये सबसे अहम है, क्योंकि जो मेन विभाग होंगे वो मेन लोगों को दिए जाएंगे। प्रदेश में अगले कुछ दिन और सताएगी सर्दी। जी हां, 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करौला में घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। धौलपुर, दौसा, भरतपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और अलवर में भी मौसम का डबल अटैक अब नजर आ रहा है। इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से 7 जिलों में जो नाम आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि ठंड की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करौला, साथ ही आपको बता दें अलवर और भरतपुर, धौलपुर और दौसा, इन 7 जिलों में घने कोहरे, ठंड के तापमान के बढ़ने की वजह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि मौसम का डबल अटैक अब राजस्थान के इन 7 जिलों में नजर आ रहा है, जहां तापमान भारी गिरावट दर्ज की गई है। और श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं और आशीष दौसा से जुड़े हुए हैं। श्रीगंगानगर की तरफ करते हुए अशोक, श्रीगंगानगर के हालात क्या है? देखिए श्रुति, मौसम विभाग ने श्री गंगानगर जिले के लिए वेरी कोल्ड डे के साथ साथ ही घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले में इस समय गलन का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर घना कोहरा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और रात और दिन के तापमान में महज 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है, यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर वासियों को 2400 घंटे गलन और तेज ठंड का एहसास हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में अब काफी वक्त लेते हैं और यदि घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो पूरा इंतजाम करके चलते हैं। घर से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को सेकते हैं और सेक करने ही इस समय पूरी तरह से पैक करके रखते हैं। यदि घर से बाहर वो कहीं बाहर निकलते हैं तो कहीं उन्हें अलाव या तंदूर मिलता है तो उसको सेकने का भी प्रयास करते हैं। मैं आपको देखिए कल के यदि दिन के तापमान की बात बताऊं तो श्रुति, कल दिन का तापमान श्रीगंगानगर का 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में संगरिया के बाद सबसे कम था। यानी कि कल श्रीगंगानगर शहर प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय श्रीगंगानगर वासियों को किस हार्ड कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से श्री गंगानगर में सूर्यदेव के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं और दिन और रात के तापमान में महज 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होने की वजह से मौसम विभाग ने श्री गंगानगर में घने कोहरे के साथ वेरी कोल्ड डे का एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका खासा असर भी देखा जाता है। सड़कों पर आवाजाही लगभग लगभग नाके बराबर है और दिन के समय भी लोग घरों से बाहर रहना ही पसंद करते हैं। हाँ साहब, कैसी ठंड है इस समय? ठंड तो बहुत है भैया जी, बहुत ठंड है, क्या करें, बस घर से नहीं करते, काम पर के लिए, काम पर लिए बस तंदूर मिल जाता है, आग सेक लेते हैं बस। इंतजाम पूरा करके रखते हो ठंड से बचने का? हाँ बिल्कुल, देखिए श्रुति जरूरी भी है क्योंकि यदि घर से बाहर निकलना है, काम पे जाना है तो बाहर निकलना भी पड़ेगा, पूरा इंतजाम करके निकलना पड़ेगा। आप ये देखिए वो पैसेंजर्स हैं जो इस समय श्री गंगानगर पहुंचे हैं बस या ट्रेन के जरिए, ये लोग भी पूरी तरह से पैक हैं और ठंड से बचने के लिए चूंकि स्टेशन आपके पास आऊंगी। लेकिन आशीष की तरफ रुख करते हुए, दौसा का तापमान कैसा है, दौसा का मौसम कैसा है आशीष? बिल्कुल, जैसे ही नववर्ष की शुरुआत हुई है कल से ही दौसा में जो ठंड है वो अपना रूप दिखा रही है और पिछले कुछ दिनों से कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा था, लेकिन 2 दिनों से जो शीतलहर चली है उससे जो लोग हैं उनको धूजनी छूट गई है और वो काफी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है क्योंकि लगातार 2 दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज हल्का कोहरा भी है, लेकिन जब कोहरा नहीं होता है और जब शीतलहर होती है तो